हालत बुरी हो चुकी है यहाँ पर। इसका टाइम मांग रहे हैं 4 मंथ्स, तो 4 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मैंने कहा टेस्ट ड्राइव, तो टेस्ट ड्राइव भी नहीं है इनके पास। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं वाईफाई ट्रैवलर। और होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे पुराने, तो उसमें हमने एक वीडियो बनाया था कि हम एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं और ट्रिप पे जाएंगे, और हमने शॉपिंग भी की थी, उसका भी वीडियो बनाया था। लेकिन 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 ट्रिप पे हम नहीं गए, मुझे पता है, और कोई वीडियो नहीं आया। मार्केट्स के वीडियो हमने करे थे उसके बाद, लेकिन ट्रिप हमारा क्यों हो गया उसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको जाना जरूरी है, आपके लिए वीडियोस बनाते। तो ट्रिप इसलिए कैंसिल हो गया, एक तो कोरोना वायरस ने जान ले रखी है, हर जगह पे कोरोना कोरोना कोरोना, थोड़ा उससे हम बचते जा रहे थे। और वो क्यों बच रहे थे उसका भी रीज़न दूंगा मैं आपको। एक तो ये भाई साहब एक और आ गए ओमिक्रॉन, एक इन्होंने जान ले रखी है। मम्मी देखो कैसे देख रही है तो ओमिक्रॉन ने भी जान ले रखी है। तो होता क्या है कि जैसे हम मार्केट के वीडियोज़ बनाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक तो वैसे ही रश होता है, और वीडियोस बनाते हैं कि आपको दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहा है, ये कपड़े मिल रहे हैं, कुछ मिल रहे हैं, तो आप लोगों को भी अच्छा लगता है, और लोग पहुँचते भी वहाँ पर और उस चीज़ को बाय करने के लिए, देखने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती जा रही है, आपने मेरे वीडियोज़ में देखा होगा, वैसे ही इतनी भीड़ है। और ऊपर से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन भी हो जाती है कि आप वीडियोज़ मत बनाओ, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिख गया क्या नहीं। तो इसको थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारे को इस चीज़ की लेनी चाहिए, क्योंकि वीडियोस तो ठीक है, वीडियोस बनाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यूट्यूब के लिए काम करते हैं तो यूट्यूब पे वीडियोस चाहिए। लेकिन उससे क्या होता है कि लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अब और भी वीडियोस होते हैं कि हमें कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया, भाई चलते हैं वहाँ पर लेने, एक एक करके कितने लोग उस चीज़ को देखते हैं, और वहाँ पर भीड़ लग जाती है। और उससे हमें बचना भी है, हमें जान भी ज़रूरी है, वीडियो भी ज़रूरी है, तो दोनों जगह साथ लेके चलनी पड़ेगी। अगर हम आगे जाके अगर कोई वीडियोस बनाते हैं, तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखना कि हम लोग थोड़ा सा कम मात्रा में पहुंचे वहां पर। अगर वहां पर पहुंचे तो प्लीज अपने आप को सेफ जरूर रखें। मैं नहीं चाहता कि मेरे वीडियोस के कारण और ऐसा हो कि कोई गलत वहां पर किसी को फैले और बहुत ज्यादा भीड़ लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, सिर्फ एक मैं ही नहीं हूँ, उन सबको देख के आप लोग वहां पर पहुंचे। अगर पहुंचते भी है, तो अगर ज्यादा भीड़ है तो प्लीज थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ा सा फिर कभी आए, ऐसे करते रहे। तो बात रही ट्रिप की, तो ट्रिप हमारा प्लान हो रहा था और हम सोच रहे थे कि कैसे करें, क्योंकि हमें स्टेट्स जाना था अलग अलग, और हम उस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसकी मार्केट भी, फूड भी, और जगह की। तो हमने सोचा कि व्हीकल कौन सा चूज़ करें, तो व्हीकल था हमारा, हम सोच रहे थे एक बाइक प्लान कर रहे थे कि एक बाइक पे जाएंगे, और बाइक इसलिए कर रहे थे क्योंकि मम्मी भी जाना चाह रही थी। तो मैंने कहा कि चलो वीडियोज़ तो बनाने हैं और घूमना भी है, और मेरे को राइडिंग का भी शौक है, तो इसी बहाने मैं राइडिंग भी कर लूँगा शॉर्ट शॉर्ट ट्रिप की, और साथ में हम लोग एक्सप्लोर भी कर लेंगे और वीडियोज़ बनाएंगे आपके लिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि अगर मैं बाइक प्लान कर रहा हूँ तो रोड ट्रिप करूँगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, उस सड़कें गाकर आ गए, सड़कें दिखाकर आ गए, भाई मज़ा तो आया नहीं। तो थोड़ी सड़कें दिखेंगी, सीनरीज भी दिखेंगी, अलग टाइप से दिखाने की कोशिश करूँगा, और एक्सप्लोर भी करेंगे, इंजॉय करेंगे उस जगह को। ये नहीं कि जैसे लोग कहे कि जब हम लोग शिमला आ गए जी, शिमला क्रॉस करके हम कौन सी जगह पड़ती शिमला के आगे, नरकंडा पहुंच गए, कुफरी पहुंच गए, ऐसे नहीं करना। पहुंचेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे, घुमाएंगे, और फुल एंजॉय करेंगे, हम भी करेंगे, आपको भी कराएंगे कि आप भी देखो कि क्या कर रहे हैं। तो हमारा कुछ ऐसा है, और अभी कैमरा भी नहीं चल रहा है इस चक्कर में, कैमरा भी मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, अभी कैमरे में प्रॉब्लम आ गई है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। और अभी मैं जा रहा हूँ, एक बाइक प्लान करिए, वो आपको बताऊंगा मैं कौन सी, और 2-3 माइंड में है, और उस चीज़ को देख रहे हैं कि टेस्ट ड्राइव लेंगे, कैसी हिसाब बनता है उसका, और मन में एक बारी छा जाए तो पक्का फाइनल कर देंगे। तो क्योंकि हम इसलिए इसको डिले करते थे बाइक लेने को, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर नवंबर में लेते हैं तो फिर साल का चक्कर पड़ जाता है, एक साल पुरानी लगती है, क्योंकि 2022 की मैं सोच रहा था कि RC 2022 की बने, तो जनवरी में ले लूँगा मैं उस चीज़ को। तो अभी हम जा रहे हैं, आपको दिखाऊँगा, एक तो कटता जाता ना इसमें एकदम फेस भी कट गया, तो अभी हम जा रहे हैं, आपको दिखाता हूँ कौन सी लेना है, और जो सी ट्रेस ड्राइव लूंगा आपको पता लग ही जाएगा। एक तो इधर देखो ना, महंगा हो जाता है, इधर देखना पड़ता है फोन से, ऐसे बड़े दिक्कत, फोन हिलता भी बहुत है। तो अभी हम चलते हैं और आपको दिखाता हूँ, टेस्ट ड्राइव करते हैं जहां पर जा रहा हूँ मैं, तो फिर मिलते हैं वहां पर, ठीक है ना। मैं चलो फिर चलते हैं। यहाँ पर हालत देखो, इतनी लंबी लाइन है, ये बैक साइड पे खड़ा हुआ अभी साकेत का है, सिलेक्ट सिटी बॉक, और अभी एंट्री भी बंद है, क्योंकि अंदर ही बुरी हालत है, तो एंट्री बंद कर दी है, और देखो कब खुलती है, इतनी तो हालत बुरी हो चुकी है यहाँ पर। अभी जस्ट हम यहाँ पर आए थे और साकेत में आए थे, साकेत आ मेरे पीछे देखते हो, रॉयल एनफील्ड, तो कहीं पर भी जाना तो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स बहुत चलती है। तो यहाँ पर हम एक इनका न्यू मॉडल निकला था मेटियोर 350, तो वो देखने आए थे, जैसे थंडरबर्ड आती है वैसे एक बाइक देखने आए थे।
तो बाइक्स तो अंदर शोरूम में लगी हुई है लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अगर कोई भी बुक भी कराते हैं तो 4 मंथ्स का टाइम मांग रहे हैं, 4 मंथ्स, तो 4 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मैंने कहा टेस्ट ड्राइव, तो टेस्ट ड्राइव भी नहीं है इनके पास, तो अब जो है कहीं और ढूंढना पड़ेगा, हमारे को जाकर देखना पड़ेगा कि जहाँ पर हम टेस्ट ड्राइव भी देख सकें। और अगर बाइक परचेस करनी कम से कम हमारे को 10 या 15 दिन के अंदर तो अवेलेबिलिटी मिले तो इतना तो देख सकते हैं, तो 4 महीने तो बहुत ज़्यादा हो जाता है टाइम। तो अब ये वाला देखो कितनी मुश्किलें आती है, लगता तो सिर्फ एक है कि 3 मिनट का 4 मिनट का वीडियो बन गया, तो टाइम कितना लगता है सफ़र करके आए यहाँ पर, 2 मिनट में उन्होंने फ़र्क कर दिया हमारे को। 2 मिनट लगे सर ना, टेस्ट ड्राइव है और बुकिंग करानी है तो बुकिंग करा लो, तो 4 महीने के अंदर आ जाएगी। तो अब 2 मिनट में फ्री हो गए, आने के लिए 3 घंटे लग गए। तो कोई नहीं, अब कहीं और जाएंगे तो और देखते हैं क्या होता है। तो होप दो फॉर द बेस्ट कि क्या मिलता है, तो चलते हैं आगे कहीं और। और टेस्ट ड्राइव सोच रहा था दिखाऊंगा, लेकिन टेस्ट ड्राइव क्या दिखाऊंगा, बैठने को नहीं मिला। तो अब देखते हैं, अभी तो साकेत मॉल अंदर जाए कुछ खा लेते हैं, तो सुबह से इस चक्कर में कुछ खाया भी नहीं था कि अब चलते हैं अंदर कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कोई और मिलता तो। टाइम भी ऐसा हो गया कि कहीं और पहुँचते पहुँचते भी लेट हो जाएंगे। चलो कुछ खाते हैं, उसके बाद वीडियो एंड कर देंगे, और क्या कर सकते हैं। देख लो क्या खाते हैं वो भी देख लो आप, इतना तो देख ही लिया, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो कुछ खाते हैं, ठीक है चले। लाइन बहुत लंबी लगी है, ये अभी बैक साइड पर खड़ा हूँ, इतनी लंबी लाइन है एंट्री की। ये आज है 26 हो गया दिसंबर, चलो अंदर एंट्री तो करें। आप देख रहे हो कि पीछे भी खाना खाने बैठे हैं, पर अभी साकेत में नहीं है, साकेत में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और जब वहाँ का फूड कोर्ट था तो फूड कोर्ट में एंट्री बंद करके थी आधे पौने घंटे के लिए, क्योंकि बिल्कुल पैक्ड हो रखा था, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी वहाँ पर और भूख लग रही थी। काम तो सारा आज बेकार हो ही गया, और सोच रहे थे कि जैसे बाइक देख रहे थे कोई ट्रायल पर मिल जाती पता लग जाता, वो तो हुआ ही नहीं काम। तो अब नेक्स्ट वीडियो देखते हो क्या बनाता हूँ, ट्रायल का तो वीडियो एक बना ही दूंगा कि जो टेस्ट ड्राइव लूँगा, जो सी बाइक देखूंगा उसका तो क्लिप डाल दूंगा, क्योंकि उस पर फिर एक और वीडियो बनाऊँ भाई देखने जा रहा हूँ तो कोई अननेसेसरी बनेगा वो। अगर मैं टेस्ट ड्राइव लेता हूँ तो वहाँ वीडियो शूट कर लूँगा, तो जो नेक्स्ट वीडियो का अगर मैं लेता हूँ और डिसाइड कर लेता हूँ तो उसमें डाल दूंगा कि मैंने टेस्ट ड्राइव ये वाली बाइकों की ली थी, और फाइनल में बता दूंगा कि मैंने कौन सी बाइक ले रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर बुकिंग ले रहे हैं 4 महीने मतलब का तो कुछ है नहीं, 4 महीने कौन रुकेगा। तो अगर देख तो किसी डीलर के पास या कहीं पर सेंटर में कहीं पर अगर स्टॉक होगा उनके पास, तो फिर वाली परचेज वहाँ पर देखता हूँ, जो डिसाइड करते हैं वो हम ले लेंगे फिर, ठीक है ना। लेने तो नेक्स्ट जनवरी में ही लेनी है, स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में लेनी है। तो वो तो पैक था, अब देख रहे हो खाना खाने। तो अभी हम आगे आईने, तो आईने की चाउमीन बहुत पसंद है हम लोगों को, और आईने का ब्लॉग भी मैंने बना रखा है, तो हम लोग बताया था तो वहीं पर आए हुए आईने के में चाउमीन खाने। तो अभी हम चाउमीन ऑर्डर करते हैं फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। चलो, तो मैंने कशिश से नहीं मिलवाया था, कशिश ये रही वो पीछे से खा पी रही है तो मजे कर रही है, तो मम्मी ये रही, मम्मी पी रही है पेप्सी, ओ सॉरी थम्सअप, थम्सअप पी रहे हैं हम, पेप्सी नहीं पीते, पेप्सी बहुत ज़्यादा मीठी होती है, ये थोड़ी सी कम मीठी बस है लेकिन होती है मीठी तो होती है। तो ये चल रही है, तो अभी बस आ जाएंगे चाउमीन चिकन वाले और चिली चिकन, चिली चिकन तो चलो खाना खाते, भूख लग रही है। गाइस खाना खा लिया है और कुछ दिखाने को है नहीं, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और बाइक उसमें पता ही चल जाएगी आपको कौन सी ले रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं कंफर्म नहीं बता रहा कौन सी ले रहा हूँ, क्योंकि ना टेस्ट ड्राइव मिल रही है ना कुछ मिल रही है, अभी हमारा 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगा।
और जब तक ये अगला वीडियो आएगा तो उसमें कन्फर्म हो जाएगा कि कौन से, तो आपको पता लग ही जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मम्मी की तरफ से भी बाय कर दो।